हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ब्लाउज कटिंग करना। तो ये ब्लाउज का पहले मैं मेजरमेंट बता देती हूँ। ये सिंपल ब्लाउज है, तो ब्लाउज का लंबाई होगा 13 इंची, सीना होगा 36 इंची, कमर होगा इसका 32 इंची, आगे का गला होगा 6 इंची, पीछे का गला होगा 10 इंची। तो देख सकते हैं एक ही बार में हमारा आगे पीछे का दोनों पल्ला एक ही बार में कैसे कटिंग करें और बिल्कुल परफेक्ट तरीका से। तो देख सकते हैं ये हमारा कोर है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हमारा फोल्डेड साइड है, ये हमारा खुला साइड है। सबसे पहले हम ब्लाउज का लंबाई निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ब्लाउज का लंबाई लेना है 13 इंची, तो यहाँ पर आ रहा है और ये देख सकते हैं 2 इंची हमारा सिलाई मार्जिन है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से आते हैं सीना इसका 9 इंची है, सीना इसका 36 इंची है, तो 1/4 आएगा हमारा 9 इंची। अब इसमें हम लेंगे 2 इंची सिलाई मार्जिन, इसको हम यहाँ रखेंगे, इसी के निशान से हम इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ से ये हमारा देख सकते हैं ये 4 फोल्ड में हो चुका है हमारा कपड़ा। यहीं से हमारा आगे पीछे का दोनों पल्ला कटिंग होगा और ये वाला पार्ट जो होगा सो यहाँ पर हमारा बाजू बनेगा। और यहाँ पर हम एक और कपड़ा थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं, ये हमारा डोरी बनेगा। आप चाहे तो अभी कटिंग कर दें या बाद में कटिंग कर दें। तो इस तरह से हमारा पतला सा डोरी बनेगा, इसको साइड करेंगे, इसको साइड करेंगे। अब आते हैं ये वाला पार्ट को लेके, यहाँ से हम इसको ऐसे करके खोल देंगे। खोलने के बाद यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे। अब यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। जब भी हम फोल्ड करेंगे तो आगे का पल्ला हमारा 1 इंची बड़ा रहेगा, पीछे का पल्ला 1 इंची छोटा रहेगा। ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पर दिख रहा है। बाकी सब चीज़ हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ से आते हैं इसका सीना, 1/4 हमारा 9 इंची आएगा। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी 9 इंची, यहाँ पर और इधर भी 9 इंची। ये हमारा फिटिंग का हो गया है, यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे। ये हमारा फिटिंग का हो गया, ये हमारा सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से आते हैं इसका तीरा लेना है 5 इंची, इसका आर्म होल लेना है बिल्कुल 5 इंची, यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी बिल्कुल 5 इंची लेना है। इसको हम यहाँ से ऐसे करके सीधा कर देंगे। यहाँ से हम 1 इंची का आगे पीछे का दोनों पल्ला एक ही बार में कटिंग हो रहा है, तो मैं 1 इंची पर यहाँ से ऐसे गोलाई बनाना स्टार्ट करेंगे और फिटिंग से थोड़ा सा डाउन कर देंगे यहाँ तक। अब यहाँ से आते हैं गला हमारा बनेगा 2.25 इंची पर, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से पीछे का डीप गला लेंगे 10 इंची पर, यहाँ से ऐसे 10 इंची। आगे का गला रहेगा हमारा 6 इंची, 6 इंची यहाँ से लेना है और यहाँ पर निशान लगाना है। ऊपर हमारा 2.25 इंची है, तो नीचे भी हम लेंगे 2.25, यहाँ से हम इसको ऐसे करके सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हमारा गोलाई बनना स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे लाएंगे, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बढ़ा के लाना है। अब यहाँ से आते हैं इसका टेकिंग डालने का, तो यहाँ से 9 का हाफ कर देंगे। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ पर 1/2 इंची इधर दबाना है, 1/2 इंची इधर दबाना है। ये देख सकते हैं इस तरह से इस टेकिंग का उठाव लेंगे 4 इंची। तो यहाँ पर हो चुका है, अब यहीं से हमारा कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा पीछे का भी गला कटिंग होगा। यहाँ से खोल देंगे, अब यहाँ से हमारा आगे का गला कटिंग होगा। देख सकते हैं दोनों हमारा गला आगे पीछे का एक ही बार में दोनों पल्ला कटिंग हो गया है। अब यहाँ से हम तीरा अलग करके दोनों पार्ट को हम अलग कर देंगे। ये देख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर भी हम एक कट का निशान लगा देंगे ताकि ये हमारा टेकिंग का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है।
अब यहाँ से इसको हम खोल देंगे। खोलने के बाद हम यहाँ से पीछे के पल्ले में आधा इंची कपड़ा और कटिंग करेंगे, क्योंकि पीछे में कम टेकिंग पड़ता है तो इसके लिए, और आगे में ज़्यादा पड़ता है, और ये हमारा डीप गला है तो इसके लिए हमारा आधा इंची कपड़ा कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं इसका फिनिशिंग इस तरह से होगा, देख सकते हैं। अब यहाँ से आते हैं आगे का पल्ला, यहाँ से लेंगे और देखिए आधा इंची कपड़ा हम और कटिंग करेंगे। यहाँ से इसको ले जाना है और यहाँ से ऐसे धीरे धीरे गोलाई इसको लाना है यहाँ तक। अब यहाँ से आते हैं फिटिंग का एक चौथाई 9 इंची यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ से आते हैं टेकिंग के लिए, तो यहाँ से हम लेंगे आधा इंची ऊपर हमारा सिलाई में दब जाएगा, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 10.5 इंची यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम इधर लेंगे गला से 3 इंची नीचे, अब यहाँ से लेंगे हम यहाँ पर ऐसे करके 2.5 इंची यहाँ निशान लगाएंगे। अब यहाँ से लेंगे ये वाला, यहाँ से भी ऐसे निशान लगा सकते हैं इसी के निशान से, और ये वाला यहाँ पर भी निशान लगा सकते हैं, देख सकते हैं इसका फिनिशिंग। अब यहाँ से आते हैं नीचे का टेकिंग हमारा बनेगा 1.5 इंची पर, 1.5 इंची बीचों बीच रखना है, और इसको हम यहाँ से ऐसे लाएंगे, और ये सब जो है टेकिंग सो हमारा ये हमारा बनेगा 1.25 इंची, और ये वाला 0.5 इंची का, और ये भी 0.5 इंची का, इस तरह से। तो ये देख सकते हैं पूरा निशान हो चुका है, इसी पर हमारा ये सिर्फ काठी का भी 0.5 इंची और कपड़ा कटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से, अब हम इसको खोल देंगे। ये देख सकते हैं सेम इधर निशान उगाने के लिए इसको हम ये कपड़ा को फोल्ड कर देंगे इधर से, बिल्कुल बराबर कटिंग मिलाते चलना है और इसको हमें फोल्ड करना है। तो ये देख सकते हैं इधर से भी हल्का हल्का हो गया है, इसी पर हम डार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको बीचों बीच कटिंग कर देंगे, यहाँ से हमारा बनेगा आई हुक। तो ये देख सकते हैं आगे पीछे का पल्ला हमारा कटिंग हो चुका है। अब यहाँ से आते हैं बाजू का गोलाई, बाजू कैसे कटिंग करना है, तो यहाँ से हम इसको 0.5 इंची ऊपर छोड़ते हुए यहाँ से हम इसका पूरा देखेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 9.25 इंची, तो इसको साइड करेंगे, और यहाँ से हमारा बाजू के लिए कपड़ा निकला है उसी कपड़ा को हम फोल्ड फोल्ड में फोल्ड कर देंगे, ये देख सकते हैं ऐसे करके। अब यहाँ से आते हैं 1 इंची हम लेंगे सिलाई या तुरपाई के लिए, उसको हम यहाँ से बिल्कुल सीधा निशान लगा देना है। अब यहाँ से आते हैं ब्लाउज का बाजू का लंबाई, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 इंची, 3.5 इंची पर तैयार होगा, यहाँ से भी लेंगे 4 इंची। अब इसमें हम 3 इंची पर ये फिटिंग का निशान लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ से 2 से 2.5 इंची बिल्कुल सीधा ले जाना है, उसके बाद धीरे धीरे घुमाते जाना है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा कपड़ा आ रहा है पूरा 8.5 इंची, मतलब हमारा थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो इसको हम कैसे बढ़ाएं, ये देख सकते हैं ये हमारा कपड़ा का चौड़ाई 7.5 इंची आ रहा है, 8 इंची 8.5 इंची रहता तो बिल्कुल हो जाता, तो इसको हम यहीं से अभी कटिंग करेंगे। और देखिए बस इतना ही कपड़ा में कैसे हमको बढ़ा के बनाना है, इसको इतना हो गया है। अब यहाँ से ये वाला कपड़ा हम इतना कटिंग कर देंगे, ये देख सकते हैं ऐसे। अब इसको हम यहाँ से 0.5 इंची सिलाई या तुरपाई में जब हम लेंगे तो उसको हम यहाँ 0.5 इंची हम दबाते हुए अब इसका गोलाई कटिंग करेंगे, ये देख सकते हैं बिल्कुल सेफ में। अब यहाँ से इसको हम देखेंगे कहाँ पर आ रहा है हमारा 9.25 इंची, तो हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो ये देख सकते हैं बस ये हमारा कपड़ा कटिंग का है, और इतना सा हमारा जो है सो ये जोड़ा हुआ कपड़ा है, तो उतना ही तक हमारा आएगा। अब यहाँ से इसका बाजू का मोहरी लेंगे
साढ़े छः, साढ़े छः का डबल करेंगे तो हमारा 13 इंची होगा। तो ये देख सकते हैं बस इतना सा ही हमारा कटिंग में आएगा। तो ये कपड़ा अलग से जोड़ने वाला तो हमारा नहीं दिखेगा, बिल्कुल अंदर चल जाएगा। अगर उतना हम नहीं जोड़ेंगे तो ये हमारा कपड़ा बाजू के लिए कम हो सकता है, तो हम उतना जोर लगा देंगे ताकि अगर आगे चल के किसी को ढीला टाइट करना पड़े तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से ये हम आधा इंची कपड़ा और कटिंग कर देंगे। ये कटिंग वाला पार्ट हमारा आगे पल्ले में ही होना चाहिए और यहाँ पर भी बिल्कुल गोल में ही लाना है। और यहाँ पर हम ये कट कर देंगे ताकि ये हमारा बिल्कुल तीरा पर आना चाहिए। और ये कट हम यहाँ पर भी करेंगे ताकि ये वाला कट जो है सो हमारा आगे पल्ले में ही आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।